ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, बस ध्यान से समझना है आपको, ठीक है। आजकल ये भी बोर्ड, इसको भी फॉर्मेट मारना पड़ेगा लगता है, ये भी हैंग हो जाता है कभी कभी। सबसे टॉप पे लिखेंगे हम कॉस्ट शीट अमाउंट पर्टिकुलर। सबसे पहले क्वेश्चन में हम चेक करेंगे WIP है या नहीं, क्योंकि अगर WIP नहीं है तो हम ग्रॉस वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर देंगे। तो पूरे क्वेश्चन में WIP दे रखा है, ठीक है। तो अब अगर मैं फॉर्मेट बना लूं, पहले पहले बेसिक फॉर्मेट बना लूं, तो यहां तक आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट जिसको हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, इसके बाद क्योंकि नोट बना लेते हैं तो यहां पे आ जाएगा हमारा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री, उसके बाद ग्रॉस फैक्ट्री के बाद आ जाता है हमारा क्या सर, नेट फैक्ट्री। नेट फैक्ट्री के बाद अगला हेडिंग क्या बताया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं सर, क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना पहले, हम अपनी हेडिंग तो देख लें हमारी कितनी तैयारी है, फिर क्वेश्चंस पढ़ लेंगे ना आराम से। इसके बाद देखा जाए तो क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब चलिए एक चीज और भी कर लेते हैं सर, प्राइम कॉस्ट के बीच में कौन होगा, फैक्ट्री ओवरहेड। ग्रॉस फैक्ट्री इसमें क्या होगा, मैं फॉर्मेट बना लेता हूं, प्लस हो जाएगा WIP और माइनस हो जाएगा, और ये कौन से वाला, ओपनिंग वाला, और ये कौन सा होगा, क्लोजिंग वाला। क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं अभी, पहले हमें फॉर्मेट अच्छे से पता होना चाहिए। नेट फैक्ट्री के और इसके बीच का फासला क्या होगा हमारा, एडमिन, एडमिन एक्सपेंस। इसके बीच में क्या होगा सर, प्लस हो जाएगा ओपनिंग FG और माइनस हो जाएगा सर क्लोजिंग FG। जब डेटा आएगा लिख देंगे, इसके बीच में कौन होगा सर, एडमिन। और जो बच्चे नए ज्वाइन हो रहे हैं तो उनको पहले पुरानी क्लास देखनी पड़ेगी, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं ये एक्चुअल में कर क्या रहा हूँ। कुछ बच्चों को लगेगा सर पता नहीं कहाँ से लिखे जा रहे हो, अभी तो क्वेश्चन भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो उनको देखना पड़ेगा। पहले तो जो स्टार्टिंग से बच्चे हैं वो बताएं कि इस फॉर्मेट में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। वीडियो रुक गई ना सर, मैथ्स की क्लास को भी। अच्छा चलिए अभी देखते हैं, पहले आप मुझे बताइए जो मैंने ये लिखा है डिटेल, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसमें क्या। अगर किसी बच्चे का कोई दिक्कत है जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, मतलब कि फर्स्ट सेकंड क्लास लिया है, जो आज ज्वाइन हुए होंगे उनको तो डेफिनेटली कहेंगे दिक्कत है, उनको पुरानी क्लास से देखनी पड़ेगी। प्राची का जवाब आ गया, पूजा का जवाब आ गया, हितेश कहता है क्लियर है सर, अंजलि ने भी कह दिया सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चों ने कह दिया कि क्लियर है, तो मान गए आपकी बात के क्लियर है। अब क्वेश्चन आप सभी को भी, जितने बच्चे हैं क्लियर है ये। अब देखिए, अब हम पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे। रॉ मटेरियल परचेज यहां का हिस्सा है, रॉ मटेरियल परचेज यहां का हिस्सा, इसको व्हाइट से लिख लेते हैं। रॉ मटेरियल परचेज सबसे यहां पे आता है, ठीक है। रॉ मटेरियल परचेज कितने का सर, 24,000। बस मुझे डेटा पुट करना है। वर्क ओवरहेड, वर्क ओवरहेड पता है किसको बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड का दूसरा नाम है सर। ये क्या है सर, ये सर फैक्ट्री ओवरहेड है सर, ये फैक्ट्री ओवरहेड है। तो नाम याद रखिएगा, वर्क ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट दे दिया 20,000। इसके बाद स्टॉक दे रखा है, रॉ मटेरियल ओपनिंग का स्टॉक, तो प्लस हो जाएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक और माइनस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक क्या दे रखा है बताओ सर, ओपनिंग स्टॉक क्या है। अब देखो मजे की बात, कहता है कि भैया जो जनवरी को हमारा ओपनिंग स्टॉक है दैट इज कितने का है, 4,000। तो जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, जो नहीं दे रखा जब देगा तब लिख लेंगे। फिनिश गुड्स के बजे की बात कहें, कहता है कि 800 क्विंटल है, 800 क्विंटल। क्विंटल पे मत जाना कि एक क्विंटल में क्या होता है नहीं होता, बस मान लो कि यूनिट 800 है और ये 3200 है। तो ओपनिंग FG दे रखा है, ओपनिंग FG आ गया हमारा, अमाउंट के टर्म्स में बात करें तो 3200 रुपए की बात कर रहा है, और यूनिट के टर्म्स में बात करें तो 800 क्विंटल या 800 यूनिट मान लो, ठीक है।
WIP की बात करें तो 960 रुपये, WIP 960 रुपये, ओपनिंग की बात कर रहे हैं 960 रुपये, ठीक है सर यही लिख लेते हैं 960। 31 जनवरी को हमें कुछ दे रहा है, WIP का बैलेंस दे रहा है, वो कितना है हमारा सर 31 जनवरी को WIP कितना है हमारा 3200, तो ये 3200 तो हो जाएगा माइनस में, क्लियर है। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड कह रहा है आपको 1600, तो एडमिन ओवरहेड के लिए पहले ही हमने लाइन खींच रखा है, दैट इज 1600। सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स को कितने का बेचा हमने, दैट इज हमने बेच रखा है यहाँ पे 60,000 रुपए का, कितने का बेचा हुआ है 60,000। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, जैसे कि सेल्स 60,000, इसका तो अभी 60,000 बेचा हुआ है, ठीक है 60,000 हमने बेचा हुआ है। अब नीचे कुछ जानकारी है, जानकारी को हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। पहले जो मैंने इस जानकारी को पढ़ने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि जो मैंने यहाँ डेटा पुट किया हर किसी को क्लियर है। पीसी की बैटरी लो, अरे बंद ही हो गया, नहीं चलो चल रहा है, बताइए चार्ज है तो चार्ज बताइए फटाफट सर। यस सर क्लियर है सर, यूनिट ऐसे गिवन है, उसका काम है यूनिट नहीं, अभी बहुत बड़ा काम होगा उसको, उसको समझेंगे, मेन पॉइंट्स है पूरे कॉस्ट शीट में। यहां तक बच्चों आपने बोल के सर यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप आगे बढ़ जाओ, अब इसको एक एक करके समझेंगे। कहता है एडवर्टीजमेंट डिस्काउंट अलाउड एंड सेलिंग कॉस्ट इज 40 पर क्विंटल। कहता है भाई साहब एडवर्टीजमेंट मान लो या डिस्काउंट मान लो या सेलिंग मान लो, ये 40 पैसा है, 0.4 का मतलब हो गया 40 पैसा पर क्विंटल, यानी जितने यूनिट आप बेचिएगा उसके ऊपर आपको 40 पैसे का खर्चा आएगा, यानी सेलिंग एडमिन एक्सपेंस नहीं बता रहा। तो यहाँ पे क्या होगा सर, जितने भी बेचेंगे उसको 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी पता चलेगा, यानी अब मुझे जानना होगा कि हमने कितने क्विंटल सामान बेचा है, समझ रहे हो बात को, क्योंकि जब बेचा है पता चल जाएगा तभी हमें पता चल पाएगा। आगे कहता है ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द मंथ 12,800 क्विंटल ऑफ कॉमोडिटी वर प्रोड्यूस। अब मजे की बात देखो, इसने बोला हम ये नहीं बताएंगे कि कितना बेचा है, लेकिन हम ये जानकारी जरूर दे देंगे कि कितना हमने बनाया है ड्यूरिंग द मंथ, कितना प्रोड्यूस किया हमने 12,800। और ये बीकॉम प्रोग्राम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया 1998 में, वो तो डेट है, उसका कोई लेना देना नहीं है। यानी सर इस सवाल की बात देखें, खास बात तो हमें क्या क्या गिवन है सर, हम अगर बात करें तो हमने कितना प्रोडक्शन किया है, प्रोडक्शन सर प्रोडक्शन कितना किया था 12,800, यही था क्या प्रोडक्शन था हमारा 12,800। अब सर ओपनिंग स्टॉक कितना था, ओपनिंग स्टॉक, और ये सारा एफजी पे चलेगा, ओपनिंग स्टॉक कितने का था सर 800 का, ओपनिंग स्टॉक कितने का था सर क्वेश्चन में देखिए, ओपनिंग स्टॉक कितने का था 800। कैसे पता चला सर, एफजी, हमें एफजी वाले यूनिट को लेके चलना है, एफजी वाले को, क्या हमें कहीं क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है ये, नहीं बता रहा क्लोजिंग स्टॉक, कहीं भी नहीं बता रहा। तो आप सिंपल सी बात देखिए सर, मैंने पूरा माल बनाया 12,800 और क्लोजिंग एफजी की बात चल रही है क्या, क्लोजिंग एफजी कहीं पे है क्या आपके पास, शुरू में 800, जैसे आपने दुकानदारी खोला, दुकान खोला, आपके पास पहले से दुकान के अंदर 800 किलो सामान, 800 क्विंटल सामान पड़ा हुआ था, और आपने पूरे दिन में बना दिए कितने क्विंटल सामान 12,800। तो मेरा क्वेश्चन ये है, और शाम को आपने देखा तो सारा माल बिक चुका है, आपके पास माल ही नहीं है, कैसे पता चला सारा, अगर सारा माल नहीं बिकता तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो बोलता कि भैया मेरे पास क्लोजिंग 5,000 पड़ा हुआ है, तब तो हम अंदाजा लगा लेते, तब तो हम बोलते भैया टोटल माल हमारे पास था 13,600 और आप कह रहे हो कि 5,000 माल पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब सर 8,600 हम बेच चुके होंगे। लेकिन पूरे सवाल में आप ध्यान से देखोगे तो कहीं भी नहीं बोला कि क्लोजिंग माल कितना पड़ा हुआ है, पूरे क्वेश्चन में देखिए कि कहीं बोला कि क्लोजिंग माल कितना पड़ा हुआ है, नहीं बोला। तो वेरी वेरी सिंपल, कैसे निकालोगे आप सेल यूनिट, सेल यूनिट कैसे निकालते हैं, मैं यहां पे फॉर्मूला लिख रहा हूं जो कि बहुत काम आएगा आपके, प्रोडक्शन फॉर्मूला कह रहा, वैसे ओरली पता चल जाता है, या इसको सही से लिखते हैं सेल यूनिट, और ये सारी बात मैं करूंगा यूनिट में, रुपए में कोई बात नहीं करेगा, किस में बात करूंगा मैं, यूनिट में, सेल यूनिट इज इक्वल टू
ओपनिंग स्टॉक एफजी का यूनिट प्लस प्रोडक्शन यूनिट और माइनस क्लोजिंग स्टॉक एफजी का यूनिट, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है जो कि आपको आगे चल के काम आने वाला है। अब यहां पे वेरी सिंपल, जो यूनिट दे रखा है उसके आगे रख लीजिए। सेल यूनिट कैसे निकलेगा, ओपनिंग है, प्रोडक्शन दे रखा है, क्लोजिंग नहीं दे रखा, उसको जीरो कर लेंगे तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, सेल। तो इस फॉर्मूले की मदद से देखा जाए तो हम सेल यूनिट इजीली निकाल सकते हैं, दैट इज सर 800, और प्लस में प्रोडक्शन था 12,800, और ये जो क्लोजिंग स्टॉक था उसको जीरो रखेंगे, दैट इज हमारे पास आ गया कितने सर 13,600। तो अब मेरा ये खर्चा निकल जाएगा सेलिंग एक्सपेंस का कि भाई साहब 13,600 यूनिट और मल्टीप्लाई बाय 0.4, 13,600 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 0.4, 13,600 इंटू में 0.4 यानी 54। पहले ये बात देखिए, सबको समझ में आई, ये बात देखिए सबको समझ में आ गई क्या? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? सभी बच्चे बता दो भाई वॉइस क्लियर है नहीं। रोहित का कहना है वॉइस क्लियर नहीं है। इट इज क्लियर? क्लियर है सर? ओके ठीक है ठीक है ठीक है, बता दिया। अब बताइए सबसे पहले यहां तक जो मैंने करा है इसको थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं ना, स्मॉल कर देते हैं आपके लिए कि आपको एक प्लेस पे विजुअल हो जाए ये सारी चीजें। और ये देखिए पहले हमने क्या करा, सिंपली पूरा डेटा फिल कर लिया, उसके बाद लास्ट में इस पॉइंट से हमने कुछ पॉइंट्स निकाले। सेल यूनिट पता चल गया, क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या पॉइंट्स ट्रिक यहाँ पे अपनाया कि हम ये नहीं बताएंगे आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट बता देंगे। चलो भाई पर यूनिट बता दिया तो सेल्स का यूनिट भी नहीं बताया, तो सेल्स का यूनिट हमने इस फॉर्मूले की मदद से निकाल दिया। अब हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, क्लोजिंग स्टॉक इसका नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है भाई, हम कहां से लाएंगे इसको, जीरो ही लिखेंगे। तो दैट इज आ गया आपका 4,000, और प्राइम कॉस्ट हो गया हमारा कितने का सर 28,000। इसको कलर चेंज कर देते, प्राइम कॉस्ट हो गया सर 28,000, ठीक है। अब सर फैक्ट्री दे रखा था 20,000, तो कितने हो जाएंगे सर 48,000। अब ये हमारा नेट फैक्ट्री निकालने जाएंगे तो क्या आएगा सर, नेट फैक्ट्री आ जाएगा सर 48,000 प्लस 960 माइनस 3200। वैसे ये 9600 भी हो सकता है, आई डोंट नो, शायद मेरे पास मिसप्रिंट हो, तो कोई बात नहीं, हम तो इस क्वेश्चन को बेस मान के कर रहे हैं आंसर 45760। इसके बाद आगे देखा जाए तो इसमें 1600 प्लस कर देंगे सर, आ गया 47360। अब सर इसमें तो कुछ है नहीं, 3200 प्लस कर दो सर, ये आ गया 50560। इसके बाद अब सर इसमें 5440 प्लस कर दो, ये आ गया 56,000। ये क्या आ गया 56,000। अब इस 56,000 में हम क्या करेंगे सर, 56,000 में हम लिख लेंगे सेल्स। सेल्स आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन था कि हमने सेल्स 60,000 का किया है। कुछ बच्चों को ये पॉइंट लास्ट क्लास में समझ में नहीं आया, आपने जो सामान बनाया उसकी कीमत आपको कितनी पड़ी सर 56,000, और जो सामान बेचा उसका आपको कितना पैसा मिला 60,000। तो इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस आएगा, इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस आएगा दैट इज 4,000। ये 4,000 रुपए आपका क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। क्वेश्चन क्या कहता था, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कॉस्ट शीट एंड फाइंड आउट अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। तो हमने ये लास्ट में क्या फाइंड कर लिया सर, प्रॉफिट। क्वेश्चन का इतना ही कहना था, आपको प्रॉफिट निकाल के दिखाना था। ये लो हमने तैयार कर लिया अपना एक छोटा सा कॉस्ट शीट। पिछले क्वेश्चन जो भी किए थे वो प्रैक्टिस पर्पस के लिए था, अब जो क्वेश्चन करेंगे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख के चलेंगे। क्लियर है? करने का क्या प्रोसेस था, हमने सारा डेटा पहले फिल कर लिया, इसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर ट्रिक अगर बोलोगे सर इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या सिखाया नया, तो मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन में सिर्फ एक और एक ये सिखाया कि हम एक फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चाहे तो इसमें से कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर इसमें से आपके सामने देखो तीन चार चीजें हैं, 1, 2, 3 और 4, अगर इसमें से कोई भी चीजें हमें दे दे तो कोई भी एक फाइंड किया जा सकता है। हमसे क्लोजिंग स्टॉक भी निकलवाया जा सकता है, हमसे प्रोडक्शन भी निकलवाया जा सकता है, हमसे ओपनिंग स्टॉक भी निकलवाया जा सकता है, या हमसे सेल्स
यूनिट भी। तो हमारे सवाल के अंदर दो पॉइंट्स गिवन था और हमें सेल निकालना था, दोनों को ऐड करके सेल निकाल लिया। सेलिंग यूनिट क्यों निकाला सर, क्या काम आएगा सेलिंग यूनिट का? सेलिंग यूनिट इसलिए निकाला ताकि हम उसको 0.4 से मल्टीप्लाई करके एक हम सेल्स का कितना हमारा एडमिन एक्सपेंस है वो पता कर पाए, और एडमिन एक्सपेंस निकालने के बाद हमने प्रॉफिट निकाल लिया। क्योंकि विदाउट एडमिन एक्सपेंस को तो प्रॉफिट आप निकाल ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि जब तक टोटल खर्चा नहीं पता चलेगा तो वो। तो आप ध्यान से अगर सोचे ना तो सर इसका मतलब वेरी वेरी सिंपल, यहां से यहां तक जो सारी काम कर रहे हैं, यहां से यहां तक जितना भी हमने काम किया है ये सारा खर्चा ही है। जी हाँ, यहां से यहां तक जितना भी काम है वो सारा खर्चा ही है। बस खर्चे को एक कैटेगराइज कर रखा है, जैसे सेमेस्टर टू के अंदर आपने बैलेंस शीट बनाया था तो सब सब चीजों को कैटेगराइज कर दिया था ना, करंट एसेट्स अलग, फिक्स एसेट्स अलग, बहुत सारी चीजें कैटेगराइज किया। ऐसे यहाँ पे खर्चों को कैटेगराइज कर दिया और सारे खर्चे वही हैं, और खर्चों को लिखने के बाद नीचे सेल्स में से सारे खर्चे माइनस कर दिए तो हमारा क्या निकल गया, यहाँ प्रॉफिट। बस इसमें ध्यान रखना है फाइनेंस के कोई भी खर्चे इसमें नहीं आएंगे, जो कि मैंने लिस्ट बताई थी आपको। यूनिट एक बार और रिपीट कर दे, यूनिट क्वेश्चन में गिवन था कि 12,800 यूनिट हमने बनाया है। फॉर्मूला कहता है सर अगर आपको सेल यूनिट चाहिए तो ओपनिंग यूनिट लिख लीजिए किसका सर, फिनिश गुड्स का, प्रोडक्शन यूनिट लिख लीजिए सर, और माइनस कर दीजिए क्लोजिंग, तो इससे आप निकाल सकते हैं। तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक दे रखा था फिनिश गुड्स का, सर ये रहा क्वेश्चन में कह रहा है ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का, ये रहा, ये लिख लिया मैंने, और उसके बाद फिर हमें प्रोडक्शन हमें दे रखा था, दोनों को ऐड किया, सीधा सेलिंग यूनिट निकल के आ गया, और उस सेलिंग यूनिट से मतलब हमने यहाँ निकाल लिया। बताइए कोई डाउट यहां तक? क्लोजिंग एफजी क्या होगा सर, इसमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था। अभी थोड़ा सा आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम क्लोजिंग, ओपनिंग और प्रोडक्शन सब निकालना पड़ सकता है हमें, ठीक है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे।